हाय बच्चों, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पेपर पढ़ाया जा रहा है, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर हिंदी में पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। तो फर्स्ट यूनिट मैंने स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने आपको उसमें काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। मैंने अवधारणाएँ पढ़ाई थी शिक्षण के प्रकार पढ़ा दिए थे और शिक्षा के प्रकार पढ़ा दिए थे। तो अब हम पढ़ेंगे आज शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएँ। ये 8 होती हैं। इन सबको मैं आज एक वीडियो में यहीं पर कवर करूँगी और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कवर करूँगी। जो बुक की लैंग्वेज है उसको मैं आपकी आसान भाषा में यहाँ पर डिफाइन करूँगी ताकि आपको एकदम याद हो जाए, क्योंकि समझ के याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट समझते जाते हैं। टोटल जो इसमें 8 पॉइंट्स हैं, यानी कि 8 विशेषताएं हैं। तो पहले बात करते हैं शिक्षण मूलभूत। ठीक है, मूलभूत एक भौतिक गतिविधि है। ये क्या आफत है, ये क्या बला है, तो अच्छे से समझते हैं इसको। गतिविधि है, मैंने बोला ना कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे समझाऊंगी, आपकी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। एक एक मैं लिखती चलती हूँ, उसको क्लियर करती चलती हूँ। शिक्षण एक मूलभूत एक बौद्धिक गतिविधि है। बौद्धिक गतिविधि यानी कि जो शिक्षण है ना, टीचिंग, एक दिमाग से लिए जाने वाली गतिविधि है, जहाँ पे बुद्धि यानी कि बौद्धिक होना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टीचर आपको मार्क्स देता है तो कैसे मार्क्स देता है, शिक्षण की विशेषताएँ पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो पहली विशेषता क्या है कि एक बौद्धिक गतिविधि है। टीचर जो आपको पढ़ाता है वो कहाँ होता है, उसके दिमाग में होता है, उसके पास बुद्धि होती है अच्छी खासी, जिसकी वजह से वो आपको पढ़ाता है। जब वो आपकी कॉपी चेक करता है, आपके रिजल्ट जो मार्क्स होते हैं वो कैसे वो देता है, उस आंसर्स का मूल्यांकन वो कैसे करता है, अपनी बौद्धिक गतिविधि से ही करता है। तो शिक्षण एक मूलतः बौद्धिक गतिविधि है, यानी कि अगर बुद्धि नहीं है ना तो शिक्षण नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप होते हैं। मूलभूत प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं, प्रशिक्षक। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता है, प्रशिक्षक। और दूसरा पॉइंट होता है, यहाँ पे हम देखते हैं प्रशिक्षक में, प्रशिक्षक केंद्रित, और आगे हम देखते हैं शिक्षार्थी केंद्रित। प्रशिक्षक केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित आप इसे बोलिए। तो ये 2 अलग अलग प्रतिरूप हैं। एक है प्रशिक्षक केंद्रित और दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सारा दारोमदार टीचर के ऊपर होता है। यहाँ पे सेंटर में कौन होता है, टीचर होता है। अगर विशेषता में हम देखते हैं मूलभूत प्रतिरूप की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंटर में हमारा टीचर होता है, जबकि शिक्षार्थी केंद्रित में हम देखते हैं कि सेंटर में हमारे बच्चे होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, टीचर ने जो कुछ कह दिया उसको ब्रह्मा की लकीर मान लिया, आंख बंद करके कुछ ना पूछना ना कुछ करना, क्योंकि टीचर से अगर पूछ लिया तो अपमान हो जाएगा। टीचर कहेंगे कि अरे तुम्हें हमारे ज्ञान पे भरोसा नहीं है, ये वाले पॉइंट है प्रशिक्षार्थी केंद्र। यानी कि टीचर ने जो कह दिया कि ताजमहल जो है ना वो आगरा में नहीं दिल्ली में, तो बच्चे आंख बंद करके मान लेंगे। पर ऐसा नहीं है, कोई टीचर ऐसा नहीं कहता। मैंने एक बात बताई कि परंपरागत रूप है। यहाँ पे सब कुछ, सारा दारोमदार किस पे होता है, टीचर्स पे होता है। ये जो पूरी एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षण किस पे केंद्रित है, टीचर्स पे केंद्रित है। लेकिन इसके दूसरे भी प्रतिरूप है, शिक्षार्थी केंद्रित। यहाँ पे स्टूडेंट को दर्जा मिलता है, यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर में होता है, स्टूडेंट्स की समस्याएं होती हैं इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चे और शिष्य, स्टूडेंट जो भी आप कह सकते हैं, ये इसका सेंटर होते हैं। ठीक, तो 2 मूलभूत प्रतिरूप होते हैं, समझ में आ गया आपको। आगे बात करते हैं शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं, जो तीसरी विशेषता है हमारी, शिक्षण के विभिन्न स्तर। तो कौन कौन से स्तर होते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्तर होते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए पहला स्तर होता है स्मृति स्तर। मैं लिखती जाती हूँ और क्लियर करती जाती हूँ, स्मृति स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर मैं नीचे यही लिख देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं स्मृति स्तर के बाद, यहाँ पे हम देखते हैं अवबोध या ग्रहण, अब बोध या ग्रहण, ग्रहण स्तर। ठीक है, एंड थर्ड हम देखते हैं चिंतन या विमर्श स्तर, चिंतन या विमर्श स्तर। देखिए ये 3 स्तर होते हैं। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। स्मृति स्तर, यहाँ पे टीचर बच्चों को क्या कहता है कि बस रट्टा मारो, रट्टा मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारते जाओ। फिर दूसरा स्तर क्या आता है, अवबोध स्तर, बेटा समझ के याद करो। ठीक है, पहले समझो फिर याद करो, क्योंकि आप एक बार समझ लोगे तो हमेशा याद हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरा कौन सा होता है, चिंतन या विमर्श, चिंतन करो, विमर्श करो, एडवाइस लो, ग्रुप डिस्कशन करो,
ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी का ये मतलब नहीं है कि एक घंटा ग्रुप स्टडी में, आधे घंटे फोन ही चल रहे हैं, आधे घंटे फालतू की बात हो रही। ग्रुप स्टडी का मतलब है कि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो साथ वाले से पूछो, क्योंकि जब आप कई सारे लोग एक साथ बैठते हो तो पढ़ने की जिसे कह सकते हैं ना लगन बढ़ने लगती है कि उसका इतना हो गया, मेरा भी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो तीसरा वाला स्तर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंतन या विमर्श स्तर। पहला क्या, स्मृति स्तर, शिक्षण का क्या तरीका है, बस याद करवाना। दूसरा है अवबोध, यानी कि समझना फिर याद करवाना। फिर थर्ड पॉइंट में हम क्या देखते हैं, चिंतन विमर्श करवाओ, चिंतन करवाइए, विमर्श करवाइए, तभी बच्चों को कुछ समझ में आएगा। फिर आगे हम बात करते हैं इसी में हम देखते हैं जो चौथा पॉइंट आता है, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या क्या होती है। ठीक, ये इसी का है। आगे हम बात करते हैं पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जो चौथी विशेषता है उस पर बात करते हैं। पाठ्यक्रम क्या होता है, आपका सिलेबस, ठीक, जो आपको एक सिलेबस मिलता है। पाठ्यचर्या क्या होती है, जिसे कि हम बोल सकते हैं ओवरऑल जो एक कोर्स होता है, एक साल या दो साल का जो कोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है। पाठ्यचर्या यानी कि जो एक उठने बैठने का तरीका है, या हम उसे बोल सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे सिलेबस से अलग है, हमें पीटी करवाया जाता है, या कुछ भी शिक्षण में यानी कि सीखने में हमें अपने सिलेबस से हटा के कुछ चीज़ें करवाई जाती हैं, वो पाठ्यचर्या में आती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पाठ्यचर्या निर्देशात्मक होती है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जैसे आपसे पीटी करवाई जा रही है तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कीजिए, राइट हैंड डाउन कीजिए, अप कीजिए, ये सब इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वर्णनात्मक, जब आपके क्लास में टीचर आपके पाठ्यक्रम पढ़ाती है यानी कि सिलेबस पढ़ाती है, तो वो इंस्ट्रक्शन आपको नहीं देती, बल्कि वो आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करती है अपने सिलेबस की। लेकिन पाठ्यचर्या में क्या हमें देखने को मिलता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं। ठीक, देखिए पाठ्यचर्या क्या होती है, कोर्स होती है, हमने बताया ना, अलग से कुछ ऐसी चीज जो हमारा डेवलपमेंट करवाती हो। और जबकि पाठ्यक्रम क्या है, हमारा पाठ्यक्रम होता है विषय के लिए, कोई एक सब्जेक्ट हमें जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब जल्दी से हम पढ़ते हैं हमारी जो चौथा पॉइंट है, गतिशील वातावरण। देखिए विशेषता की बात करते हैं तो हमने शिक्षण मूलभूत एक बौद्धिक गतिविधि है ये पढ़ लिया। शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप होते हैं, शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित, वो भी पढ़ लिया। थर्ड देखते हैं शिक्षण के विभिन्न स्तर, स्मृति, अवबोध और चिंतन, वो भी पढ़ लिया। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, वो भी पढ़ लिया। पढ़ते हैं पांचवा, शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लूँ ताकि मैं आगे यहाँ पे लिख के समझा सकूँ। हम चौथा पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट, पांचवी विशेषता जिसे मैं बोल सकती हूँ, पांचवी विशेषता हम क्या देखते हैं, गतिशील वातावरण, गतिशील वातावरण। ठीक है, गतिशील वातावरण में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर, ये तीन पॉइंट्स आते हैं। स्वतंत्र चर, ठीक, आश्रित चर, फिर आगे हम देखते हैं आश्रित चर, फिर हम देखते हैं इसी में आता है आपका एक हस्तक्षेप चर। ठीक, हस्तक्षेप चर तीन हो गए आपके। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी मैं किस लिए हूँ। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर। देखिए मैं जो यहाँ पे हूँ वो स्वतंत्र चर हूँ, मैं जो बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे चीज़ें पता है, तो ये क्या है, स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो जो कहता है उसे सही माना जाता है। दूसरा होता है आश्रित चर, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभी आप हैं, आप मुझ पे आश्रित हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, मुझ पे डिपेंडेंट हैं, तो ये आश्रित चर हो गया। थर्ड हमने देखा, आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, ये बुक मेरे हाथ में दिख रही है, आप किसी मोबाइल पे या सिस्टम पे पढ़ रहे होंगे इसको, हमारे लेक्चर को सुन रहे होंगे लैपटॉप वगैरह पे, तो वो क्या है, हस्तक्षेप चर है। ठीक, क्योंकि हमारी और आपकी जो बात हो रही है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच एक जो मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो क्या है, ये मार्कर, ये बुक, जैसे कि मेरे सामने स्टैंड कैमरा है आपके, ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, हस्तक्षेप चर में आती हैं। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिक्षण का राजनीतिक वातावरण क्या कहता है। ठीक है, शिक्षण के राजनीतिक वातावरण पर बात करते हैं। ये आपकी पाँचवीं कंप्लीट हो गई, अब बात करते हैं हमारी छठी आपकी जो विशेषता है उसमें हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण और इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गतिशील वातावरण के अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स आते हैं आपके। अगर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं तीन चर हो गए। अब तीन चर के बाद बात करते हैं, इसी में हम बात करते हैं फाइव वन
तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 का जो पॉइंट 1 है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं शिक्षण का राजनीतिक वातावरण। वातावरण की बात हो रही तो एक गतिशील वातावरण हो गया, एक होता है राजनीतिक वातावरण। ठीक, राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण कैसा है इसमें हम देखते हैं। एक तंत्र शासन, लोकतंत्र, हस्तक्षेप रहित शासन। एक तंत्र शासन, टीचर एकदम अपने आप को सही मानते हैं, क्लास में किसी बच्चे की हिम्मत और औकात नहीं कि वो टीचर से क्वेश्चन कर ले। एक तंत्र शासन है भैया, टीचर ही सही है, जैसे मैंने बताया था आपको परीक्षार्थी केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित में। तो एक तंत्र, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र, एक तंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, फिर हस्तक्षेप रहित तंत्र जो आपका आता है, हस्तक्षेप रहित तंत्र। ठीक है, हस्तक्षेप रहित तंत्र ये क्या है, अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको। एक तंत्र, टीचर ही सर्वोपरि, टीचर ने कह दिया कि सूरज जो है तुम्हारा वो बच्चों पश्चिम से निकलता है, पूरब में अस्त होता है। अब किसी बच्चे की हिम्मत नहीं कि वो कह दे नहीं सर, सूरज तो पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो ये एक तंत्र है जहाँ पे टीचर की ही चलती है। ठीक, ये सही नहीं है। फिर आगे बात करते हैं लोकतंत्र, जहाँ पे बच्चों को सवाल करने का पूरा अधिकार होता है कि अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आए तो वो क्वेश्चन करें। तो हमारे और आपके बीच भी एक लोकतंत्र का संबंध है, एक लोकतंत्र वातावरण चल रहा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे हम पढ़ते हैं हस्तक्षेप रहित तंत्र, ये क्या मुसीबत है। हस्तक्षेप रहित तंत्र मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच इतनी ज़्यादा गाढ़ी मित्रता हो गई है कि टीचर कुछ बोल भी रहा है तो बच्चे उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो ये हस्तक्षेप रहित आपका जो तंत्र हो गया, हस्तक्षेप रहित शासन किसे आप कह सकते हैं या तंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ठीक आगे हम देखते हैं, इसी में देखते हैं हम आगे, हम जो अगली विशेषता देखते हैं शिक्षण अनुदेश और अधिगम। शिक्षण अनुदेश और अधिगम में देखते हैं कि शिक्षण क्या है, अनुदेश क्या है, अधिगम क्या है। देखिए शिक्षण मैंने बताया तरीका होता है, आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आपको मेरा तरीका पसंद आता है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं तो पांचवी के बाद छठी पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं शिक्षण में हम देखेंगे शिक्षण अनुदेश और अधिगम। शिक्षण अनुदेश और अधिगम, ठीक, शिक्षण अनुदेश और अधिगम। फिर सातवां पॉइंट हमारा आ जाता है शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय है, ये क्या, ये भी मैं एक लाइन में क्लियर करूंगी, इतना लंबा चौड़ा जो बुक में लिखा होता है ना, क्योंकि आपको तो बस चार में से एक ऑप्शन पर टिक करना होता है, तो आपको बस समझ में आना चाहिए शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय है, स्वयं व्यवसाय है। फिर लास्ट का पॉइंट देखते हैं शिक्षण विज्ञान या कला है। शिक्षण विज्ञान भी है, कला भी है, शिक्षण वो भी मैं बताती हूँ, विज्ञान भी है और कला भी है, ये भी एक लाइन में बताती हूँ, कला भी है। पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ, शिक्षण अनुदेश और अधिगम, इसमें हम देखते हैं शिक्षण जो हमारा पढ़ाने का तरीका होता है, अनुदेश इंस्ट्रक्शन, शिक्षण और अधिगम के बीच में सीधा संबंध होता है। अनुदेश इतने महत्वपूर्ण नहीं होते लेकिन होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि पारस्परिक संबंध तो शिक्षण और अधिगम में होता है। देखिए अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ तो कुछ सिखा रही हूँ, यानी कि अधिगम कर रही हूँ, लर्निंग करवा रही हूँ आप लोगों को और आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो यही तो लर्निंग हुई, अधिगम हुआ। तो शिक्षण और अधिगम के बीच सीधा संबंध है। मैंने इसी में बीच में बोल दिया इंस्ट्रक्शन ये कि कल आप लोग इसको नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और मुझे आप एक PDF बना के लिंक सेंड कर दीजिएगा चैनल पे ताकि मैं देख सकूं आपकी पढ़ाई चल रही है कि नहीं। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, टिक अनुदेश दिया मैंने, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे और आपके बीच में, सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षण और अधिगम। शिक्षण मैं इस टाइम पढ़ा रही हूं, अधिगम जो आप इस टाइम सीख रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय है। आज जो डॉक्टर है, इंजीनियर है या किसी भी फील्ड में है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी टीचर से पढ़ के आए। ठीक, जो LLB जिसने कंप्लीट किया, LLB किसने पढ़ाया उसको, किसी वकील ने पढ़ाया नहीं, उसको किसी प्रोफेसर ने पढ़ाया, किसी टीचर ने पढ़ाया। डॉक्टर जिसने कंप्लीट किया, MBBS किया उसने, तो उसने MBBS कहाँ से पढ़ा, किसी टीचर से पढ़ा, उसने प्रोफेसर से पढ़ा। ऐसा तो नहीं है कि बिना टीचर के वो डॉक्टर बन गया। ठीक, अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग उसने पढ़ी तो किसी टीचर से पढ़ी ना। तो टीचिंग एक स्वयं व्यवसाय है, मतलब सारे व्यवसाय इसके अंतर्गत आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है शिक्षण विज्ञान भी है, कला भी है। देखिए शिक्षण क्या है, विज्ञान भी है, कला भी है। अब ये सारी की सारी थ्योरी क्या है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक, ये क्या है,
विज्ञान है, मेरा पढ़ाने का तरीका ये कला है, मैं कैसे पढ़ाती हूँ, चीज़ें आसान करके पढ़ाती हूँ या डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, तो ये मेरी कला है कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। लेकिन विज्ञान क्या है, जो ये ज्ञान है मैं इनको नहीं बदल सकती, लेकिन अपने तरीके को बदल सकती हूँ, यानी कि कला को मैं बदल सकती हूँ। तो विज्ञान एक कला भी है, अरे शिक्षण एक विज्ञान भी है और कला भी है, ठीक है, दोनों वर्ड्स आपके क्लियर हो गए कि विज्ञान है या कला, तो विज्ञान भी है कला भी है। जो हम पढ़ रहे होते हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में आता है, किस तरीके से पढ़ रहे होते हैं, कैसे वो हमें पढ़ा रहे होते हैं, ये कला हो जाती है, ठीक। तो ये सारी की सारी आपकी 8 विशेषताएं आज मैंने क्लियर करवा दी। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे इसी यूनिट के बारे में। तो आज आपका ये टॉपिक खत्म। हमने क्या क्या पढ़ लिया इस यूनिट में, हमने शिक्षा के प्रकार पढ़ लिए, हमने शिक्षण के प्रकार पढ़ लिए, हमने अवधारणाएं पढ़ ली और हमने विशेषताएं भी आज पूरी की पूरी शिक्षण की कंप्लीट कर ली। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।